हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ट्राई फॉर बेसिक्स। पिछले वीडियो में हमने किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की बुक का नेक्स्ट टॉपिक किंगडम प्लांटिया करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। किंगडम प्लांटिया इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स। किंगडम प्लांटिया में वो सभी ऑर्गेनिज्म्स रखे गए हैं जो कि यूकैरियोटिक हैं और साथ में उनमें क्लोरोफिल नाम की एक पिगमेंट प्रेजेंट है। तो जितने भी प्लांट्स हैं उनमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाइंग है, एक तो उनके सभी सेल्स यूकैरियोटिक हैं विद वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड सेलुलर बाउंड ऑर्गेनेल्स, दूसरा ऑल द प्लांट्स हैव क्लोरोफिल कंटेनिंग पिगमेंट इन देम व्हिच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो दीज ऑल ऑर्गेनिजम्स अंडर किंगडम प्लांटिया आर नोन एज प्लांट्स। अ फ्यू मेंबर्स आर पार्शली हेटरोट्रॉफिक सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट। लेकिन इस प्लांट किंगडम में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो इंसेक्टिवोरस हैं, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो पैरासिटिक फॉर्म में दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। पैरासिटिक प्लांट्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है ब्लैडर वॉल्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। ये आप याद कर लेंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट ब्लैडर वॉल्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एंड कस्कुटा इज अ पैरासाइट। इसके अलावा एक प्लांट है कस्कुटा जो बेल की फॉर्म में दूसरे हायर ट्रीज के ऊपर चढ़ता है। कस्कुटा इज अ पैरासाइट, कस्कुटा एक पैरासिटिक प्लांट है। द प्लांट सेल्स हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर। प्लांट सेल्स क्या, अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सब में यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर मिलेगा आपको और उसमें एक स्पेशल ऑर्गेनेल होगी जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये बेसिक डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल में। अगर हम प्लांट सेल में देखें तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में देखें तो क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही ग्रीन कलर की पिगमेंट क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होती है। एंड सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज, और दूसरा आइडेंटिफाइंग फीचर प्लांट सेल का होता है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ये सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। तो दो हमने मेन डिफरेंसेस किए प्लांट और एनिमल सेल में। पहला डिफरेंस, क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल एंड प्रेजेंट इन प्लांट सेल। दूसरा डिफरेंस, एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल वेयर एज प्लांट सेल हैव सेल वॉल। और प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। और पिछले वीडियो में हमने किया था कि फंगस की जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। यू विल ऑल्सो स्टडी द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल चैप्टर 8। चैप्टर 8 में हम यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और प्लांटिया में हम लोग पढ़ेंगे एल्गा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म नेक्स्ट चैप्टर में। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। अब प्लांट सेल के लाइफ साइकिल होते हैं, उनके लाइफ साइकिल में दो फेजेस होते हैं, द डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक एंड द हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक। एक होता है डिप्लॉयड फेज, डिप्लॉयड फेज जिसमें 2n नंबर ऑफ डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और एक होता है हैप्लॉयड जिसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो जो डिप्लॉयड होगा दैट इज नोन एज स्पोरोफिटिक, और जो हैप्लॉयड होगा दैट इज नोन एज गैमेटोफिटिक। दैट अल्टरनेट विथ ईच अदर, ये अल्टरनेट करते हैं। पहले कभी स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल चलता है प्लांट में, स्पोरोफिटिक खत्म होता है तो गैमेटोफिटिक चलता है। इस तरीके से बारी बारी इनका साइकिल चलता है जिसको हम कहते हैं ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन। द लेंथ ऑफ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेजेस आर वेदर दीज फेजेस आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट्स। और ये जो फेजेस हैं, क्या स्पोरोफिटिक फेज क्या गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, या गैमेटोफिटिक फेज स्पोरोफिटिक के ऊपर डिपेंडेंट है, या स्पोरोफिटिक फेज की लेंथ कितनी होगी किसी प्लांट में, या गैमेटोफिटिक फेज की लेंथ कितनी होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किस तरह का प्लांट है। अलग अलग वेराइटी ऑफ प्लांट में अलग अलग इनकी टाइम ड्यूरेशन होती है, अलग अलग तरीके से ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, और इस को वी आर नोन एज ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। नेक्स्ट इज किंगडम एनिमेलिया। दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज बाई हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इस किंगडम की पहचान है, एनिमल्स की पहचान है कि वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, दे डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और दूसरा, ये यूकैरियोटिक होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती है, दैट आर मल्टीसेलुलर। और तीसरा, ये सब मल्टीसेलुलर होंगे, और ये इनके सेल में सेल वॉल एब्सेंट होगी। जैसे पहले ही आपको बता चुके हैं, इनकी पहचान है कि ये मल्टीसेलुलर होंगे, हेट्रोट्रॉफिक होंगे, यूकैरियोटिक होंगे एंड दे लैक सेल वॉल्स। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर ही अपने फूड के लिए डिपेंड होंगे। दे डाइजेस्ट योर फूड इन एन इंटरनल कैविटी।
और इनकी सबसे बड़ी पहचान है कि इनका जो फूड डाइजेशन होगा, फूड जो डाइजेस्ट होता है वो एक कैविटी में होता है, और वो कैविटी इंटरनली लोकेटेड होती है। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमारा जो फूड का डाइजेशन है वो इंटरनल कैविटी हमारी बॉडी में माउथ से स्टार्ट होती है, फिर वो स्टमक, स्टमक वो इंटरनल कैविटी है जिसमें डाइजेशन होता है। और जब हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो जो वो खाना एनर्जी की फॉर्म में हमारी बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होता है, दैट्स फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और फैट। ये आपको याद रखना है। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और एनिमल्स में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होता है होलोजोइक। ये आपको याद रखना है। होलोजोइक मतलब इंजेशन ऑफ फूड, खाने खाने को खाना, उसको हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। द वे ऑफ टेकिंग इन फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, और हमारा न्यूट्रिशन है होलोजोइक। दे फॉलो डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न, और एनिमल्स जो है एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न को फॉलो करते हैं। वो बचपन से ग्रो होते हैं, फिर वो अडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, फिर उनकी बॉडी एक डेफिनेट शेप और साइज लेती है। और एक डेफिनेट ग्रोथ के बाद हम सबकी ग्रोथ रुक जाती है, हम सबकी हाइट रुक जाती है। हायर फॉर्म शो इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है ऑर्गेनिज्म की, जैसे हम छोटे ऑर्गेनिज्म से बड़े की तरफ जाते जाएंगे, अगर हम एक अर्थ फॉर्म से शुरू करें, अर्थ फॉर्म से शुरू करते 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 हम एक अर्थ फॉर्म से कॉकरोच पर आएँ, कॉकरोच से हम एक क्रैब पर आएँ, क्रैब से हम एक टोड पर आएँ, टोड से हम एक बर्ड पर आएँ, बर्ड से हम कैटल्स पर आएँ, कैटल से ह्यूमन बींग्स पर आएँ, तो हमारे जो सेंसरी, हमारे सेंस ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके होंगे, और हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उसमें भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो जाती है। इसमें ये बताएगा, मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। एनिमल्स में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो लोकोमोट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। और ज़्यादातर एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल। और जो न्यू ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट है वो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के थ्रू होती है। नेक्स्ट है वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स एंड लाइकन्स। यहाँ पर आज जैसे हमने पिछले बार में पढ़ा, जो आर एच विटेकर साइंटिस्ट थे उन्होंने पांच किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, बट ये जो चार हम नाम पढ़ रहे हैं, वायरसेस, वायरॉइड, प्रायोन और लाइकन, इन चारों को फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं मिली। इसका सबसे बड़ा कारण है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में। जो वायरसेस हैं दे आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वायरसेस जो है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये हम वायरसेस को सेल नहीं मान सकते, क्योंकि जब ये सेल से बाहर रहते हैं तो ये नॉन लिविंग हो जाते हैं, लेकिन जब ये सेल के अंदर एंटर करते हैं, किसी लिविंग सेल के अंदर एंटर करते हैं, तो ये लिविंग हो जाते हैं। इसीलिए इनका जो स्टेटस है कि ये लिविंग है या नहीं लिविंग है, इतना कंफ्यूजिंग रहा कि वायरसेस को फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दी गई। दैट दे आर कैरेक्टराइज बाई हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। दूसरी बात, जब ये लिविंग सेल से बाहर होते हैं तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हम लोग इनको एक बॉटल में क्रिस्टल की फॉर्म में भी स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन अगर ये लिविंग सेल के कॉन्टैक्ट में आ जाएँ तो ये अपना इन्फेक्शियस टेंडेंसी जो है वो शो कर देते हैं। वंस दे इन्फेक्ट लिविंग सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल। एक बार अगर वो लिविंग सेल को इन्फेक्ट कर दें, वायरसेस अगर एक बार लिविंग होस्ट सेल को इन्फेक्ट कर दें, दे होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ, तो वो अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू कर देंगे, अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देंगे, और इस तरीके से वो होस्ट सेल को किल कर देंगे। वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? तो इस तरीके से हम खुद ही कन्फ्यूज है कि हम उनको लिविंग कहें या नॉन लिविंग कहें। द नेम वायरस दैट मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूड। अब वायरस, वायरस वर्ड का मतलब होता है वेनम, मतलब कि कोई जहरीला पदार्थ। पॉइजनस फ्लूड वॉज गिवन बाय, ये नाम दिया था दिमित्री इवांस्की 1892 में। रिकॉग्नाइज सर्टन माइक्रोब, दिमित्री इवांस्की ने कुछ माइक्रोब्स को देखा एज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोजैक डिसीज ऑफ टोबैको। टोबैको प्लांट में एक डिसीज़ हो गया था और उस डिसीज़ को कॉज करने वाले ऑर्गेनिजम्स को दिमित्री इवांस्की ने आइडेंटिफाई किया। दी वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया। जब दिमित्री इवांस्की ने पूरी रिसर्च की तो उन्होंने ये पाया कि ये जो कॉजल ऑर्गेनिजम्स थे जिन्होंने टोबैको प्लांट में डिसीज़ कॉज किया था, वो बैक्टीरिया से भी छोटे थे। ये कैसे पता लगा कि बैक्टीरिया से भी छोटे थे? बैक्टीरिया को अलग करने के लिए एक फिल्टर पेपर आता है जिसको हम कहते हैं बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। जब उस कॉजल ऑर्गेनिज्म जिसने टोबैको मोजैक वायरस, जिसने टोबैको डिसीज़ मोजैक डिसीज़ टोबैको प्लांट में किया था, उनको जब बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से फ़िल्टर किया गया, तो ये जो वायरसेस थे ये उस फिल्टर पेपर से भी छनकर नीचे गिर गए, जिससे ये पता लगा
लगा लिया गया कि जो वायरसेस थे वो बैक्टीरिया से भी छोटे स्मॉल साइज के थे। एम डब्ल्यू बेंजरनिक, फिर एक दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम एम डब्ल्यू बेंजरनिक था, उन्होंने 1898 में ये डेमोस्ट्रेट किया दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट। उन्होंने जिस टोबैको प्लांट में मोजैक डिसीज हुआ था, जो वायरसेस ने कॉज किया था, उनका जब उन्होंने एक पेस्ट बना के एक एक्सट्रैक्ट बनाया और उन्होंने उस एक्सट्रैक्ट को हेल्दी प्लांट के कांटेक्ट में लाया, तो हेल्दी प्लांट को भी वो डिसीज़ हो गया, जिससे एम डब्ल्यू बेंजरनिक ने ये निष्कर्ष निकाला कि कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम, मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड, मतलब कि वायरसेस का जो फ्लूड है वो इन्फेक्शियस होता है, वो अगर किसी हेल्दी सेल के कॉन्टैक्ट में आ जाए तो वो हेल्दी सेल को भी इन्फेक्ट कर देता है। तो उन्होंने ये लाइन बताई थी, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, हु कॉइन द टर्म कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम, तो आप बताएंगे एम डब्ल्यू बेंजरनिक कॉइन द टर्म कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम विच मीन्स इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डब्ल्यू एम स्टैनले, इन 1935 शोड दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। डब्ल्यू एम स्टैनले ने बताया कि वायरसेस जो हैं उनको हम क्रिस्टल फॉर्म में भी स्टोर करके रख सकते हैं, और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म प्रोटीन की बनी होती है। दे आर इनर्ट आउटसाइड, ये वायरसेस सेल के बाहर बिल्कुल इनर्ट होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। इन एडिशन टू प्रोटीन्स, वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। अब हमने ये तो पता लगा लिया कि वायरसेस में प्रोटीन्स होता है, लेकिन प्रोटीन्स के अलावा वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल भी होता है। जैसे हमारे हर एक सेल में डीएनए जेनेटिक मटेरियल, वैसे वायरसेस का भी अपना एक जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट कुड बी आइदर आरएनए और डीएनए। ये जेनेटिक मटेरियल आरएनए या डीएनए कोई भी हो सकता है। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए और डीएनए, किसी भी वायरस में दोनों दो दो जेनेटिक मटेरियल नहीं होंगे, या तो सिर्फ आरएनए होगा या डीएनए होगा। अ वायरस इज़ अ न्यूक्लियो प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज़ इन्फेक्शियस। वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन होता है और उसके अंदर प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल बहुत ही इन्फेक्शियस होता है। इन जनरल वायरसेज दैट इन्फेक्ट प्लांट, अब वो वायरसेस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट में डिसीज़ कॉज करते हैं, तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और जो वायरसेस एनिमल में डिसीज़ कॉज करते हैं उनमें या तो सिंगल या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। अब सिंगल और डबल स्टैंड क्या होता है, सिंगल का मतलब होता है ऐसे सिंगल, और डबल का मतलब जैसे ये एक हो गया, और डबल का मतलब ऐसे, दिस इज सिंगल स्टैंड एंड दिस इज डबल स्टैंड। सो दैट इन्फेक्ट एनिमल, जो एनिमल को इन्फेक्ट करेंगे उसमें सिंगल या डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो वायरसेस बैक्टीरिया में डिसीज कॉज करते हैं उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेजेस, वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उसका जेनेटिक मटीरियल हमेशा डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड, वायरसेस के चारों तरफ एक प्रोटीन कोट होता है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, और ये कैप्सिड छोटी छोटी सब यूनिट से बना होता है, उसको हम कहते हैं कैप्सोमियर्स। ये कैप्सोमियर अंदर प्रेजेंट उनके जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करते हैं, न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करते हैं। दीज कैप्सोमियर्स आर अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्री, ये कैप्सोमियर हेलिकली अरेंज होते हैं उसके चारों तरफ। वायरसेस जो डिसीज़ कॉज करते हैं वो हैं मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पेस, इन्फ्लुएंजा। इसके अलावा एड्स भी एक वायरल डिसीज़ है, और प्लांट में जब वायरस कोई डिसीज़ कॉज करता है तो प्लांट में उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, मोजैक फॉर्मेशन होगी, लीफ रोल हो जाएगा, कर्ल हो जाएगा, येल्लो हो जाएगा, वीन क्लियरिंग हो जाएगा, वो ड्वार्फ और छोटा, उसकी ग्रोथ ड्वार्फ और छोटी रह जाएगी। नेक्स्ट टर्म इज वायरॉइड्स, यहां पर आपको कुछ डायग्राम दे रखा है। दिस इज टोबैको मोजैक वायरस टीएमवी, ये फिगर आप जो ए फिगर देख रहे हैं ये टोबैको मोजैक वायरस है, ये मोजैक वायरस जो टोबैको प्लांट में डिसीज कॉज करता है उसका स्ट्रक्चर है। यहां पे देखिए ये जेनेटिक मटेरियल है, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आप देख रहे हैं, ये आरएनए है, और ये कैप्सिडिया प्रोटीन कोट हैं जो इसके आरएनए को प्रोटेक्ट करके रख रहा है ये। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बैक्टीरियोफेज, ये बी ये वाला जो है बैक्टीरियोफेज ये वो वायरस है जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज करता है, उसका स्ट्रक्चर दिया है। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है, ये हेड है बैक्टीरियोफेज का, ये इसका नेक में कॉलर टाइप का स्ट्रक्चर है, ये इसकी शीथ है, और ये टेल फाइबर से। ये डायग्राम्स आप याद कर लेंगे और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप इसको एग्ज़ाम में अटेंड कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज वायरॉइड्स. इन 1971 टी ओ डाइनियर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट. 1971 में टी ओ डाइनियर नाम के साइंटिस्ट ने एक नए इन्फेक्शियस एजेंट को डिस्कवर किया जिसका नाम था वायरॉइड्स, और ये वायरॉइड वायरस से भी छोटा था एंड कॉजेस पटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़. और ये कौन सा डिजीज़ कॉज करता था, ये पटैटो में डिजीज़ कॉज किया इसने जिसका नाम था स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़. इट वॉज फाउंड टू बी फ्री आर एन ए. इसके जेनेटिक मटेरियल को अब स्टडी किया गया तो पता लगा कि इसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है जो फ्री है. फ्री मतलब कि इसके उसके आरएनए के चारों तरफ प्रोटीन कोट भी नहीं है. बाकी वायरसेस में तो हमने प्रोटीन कोट देखा कैप्सिड कैप्सोमेयर्स के फॉर्म में, बट वायरॉइड्स में प्रोटीन कोट भी नहीं था जो कि वायरसेस में पाया जाता था, जिसकी वजह से ये वायरसेस से भी छोटे साइज का था. द आरएनए ऑफ द वायरॉइड वॉज ऑफ लो मॉलिकुलर वेट, और इसके आरएनए जो था वो काफ़ी हल्का था वायरसेस के मुकाबले. नेक्स्ट जो इन्फेक्शियस जो एजेंट था वो था प्रायोन्स. इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन. अब मॉडर्न मेडिसिन में कुछ ऐसे इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस डिस्कवर किए गए जिनको कॉज करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा फोल्डेड प्रोटीन से बना हुआ. द एजेंट वॉज सिमिलर इन साइज टू वायरस. ये एजेंट वायरस के साइज का ही था. दीज एजेंट्स वर कॉल्ड प्रायोन्स. इन एजेंट्स का नाम दिया गया प्रायोन्स. द मोस्ट नोटेबल डिसीज, जो सबसे चर्चित जो डिसीज़ था जो प्रायोन्स ने कॉज किया वो था बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है BSE, जो कि मैड काओ डिसीज़ के नाम से भी जाना जाता है. और ये कैटल्स में होता है, जानवरों में होता है डिसीज़. एंड इट्स एनालॉगस, और इसी के बिल्कुल सिमिलर जो डिसीज़ है वो ह्यूमन्स में भी होता है, जिसका नाम है CR जैकोब डिसीज़, शॉर्ट फॉर्म इज CJD. नेक्स्ट जो है एसोसिएशन, जिसको हम कहते हैं लाइकन. लाइकन और सिम्बॉयटिक एसोसिएशन. सिम्बॉयटिक का मतलब एक ऐसी एसोसिएशन जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे का बेनिफिट होता है. म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन, ये म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन है, एक दूसरे की मर्ज़ी से एक दूसरे के साथ एसोसिएट होने को हम म्यूचुअली एसोसिएशन कहते हैं. और इनमें एसोसिएशन होती है एल्गे और फंगस की. द एल्गल कंपोनेंट, जो एल्गा का पोर्शन होता है इस एसोसिएशन में, दैट इज़ नोन एज फाइकोबॉन्ड. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, फाइकोबॉन्ड. और फंगल कंपोनेंट जो होता है उसको हम कहते हैं माइकोबॉन्ड. अब इसमें याद करने वाली बात ये है कि जो फाइकोबॉइंट है, एल्गल पोर्शन है, वो ऑटोट्रॉफिक होता है, वो अपना खाना खुद बनाता है. और जो माइकोबॉइंट होता है, फंगल कंपोनेंट होता है, वो हेटरोट्रॉफिक होता है, वो फंगल एल्गा के ऊपर डिपेंड करता है. अब एल्गा फंगस को क्या प्रोवाइड करता है, एल्गा प्रिपेयर फूड फॉर फंगाई. एल्गा जो है फंगस को फूड प्रोवाइड करता है, और फंगस जो है वो एल्गा को शेल्टर और वाटर में मिनरल न्यूट्रेंट एब्जॉर्ब करके देता है. इस तरीके से इनकी क्लोज एसोसिएशन काम करती है. और अगर आप लाइकन को देखें तो लाइकन में आप पहचान नहीं पाएंगे कि इसमें एल्गा कौन सा है और फंगस कौन सा है, इतनी इनकी गहरी एसोसिएशन होती है लाइकन्स. इसमें एक और पॉइंट याद करने वाला है, लाइकन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर. लाइकन्स का एक बहुत बड़ा रोल पॉल्यूशन इंडिकेटर में होता है, क्योंकि अगर किसी इलाके में बहुत ज़्यादा लाइकन्स हैं और अचानक से लाइकन्स की ग्रोथ कम होने लग जाए, इसका मतलब वहाँ की एयर में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया, क्योंकि ज़्यादा पॉल्यूशन में लाइकन्स ग्रो करना बंद कर देते हैं और वहाँ से रिमूव होना शुरू हो जाते हैं. इसीलिए हम इनको कहते हैं कि दे आर गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स. सो दिस वॉज द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लास 11th. आई होप आप लोगों को समझ आया होगा. अगर आपको अच्छा लगा, अच्छे से समझ आया, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए माय चैनल ट्राई फॉर बेसिक्स. थैंक यू.